हेलो गाइस, व्हाट इज अप। तो आज फिर से हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके लिए लेकर आए हैं कोरोना वायरस से रिलेटेड, जो कि आपके जानने बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको वो पता हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि पहले कोरोना वायरस ने किस किस को अफेक्ट किया। यहाँ पर मोर देन 24,000 लोग इससे इन्फेक्टेड हुए हैं और अराउंड 494 यहाँ से इस वायरस की वजह से डेथ्स हुई हैं और मोर देन 900 पीपल ने रिकवर भी कर लिया। उनको इन्फेक्ट हुआ कोरोना वायरस से और उन्होंने रिकवर भी कर लिया, तो 900 ऐसे बंदे हैं जिन्होंने रिकवर कर लिया। अब यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि अगर आपको कोरोना वायरस हो जाता है, इन्फेक्ट हो जाते हैं आप उससे, तो क्या आप उससे मर जाएंगे। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं इन सब की, जितने बंदे इन्फेक्ट हुए कोरोना वायरस से, जितनों की डेथ हुई और जितने रिकवर कर गए, तो इनका रेशियो निकालें तो यहाँ पर 2% मॉर्टेलिटी रेट आता है, यानी कि 2% चांसेस हैं कि आप मर सकते हैं अगर आपको कोरोना वायरस इन्फेक्ट करता है। लेकिन 98% यहाँ पर चांसेस ये हैं कि आप उससे रिकवर कर जाएंगे। अब एक फैक्ट बताता हूँ, जो भी डिसीज़, जो भी बीमारी, जो भी वायरस जितना जल्दी फैलता है, जितना ज़्यादा फैलता है, उसकी मॉर्टेलिटी रेट उतनी कम होती है। यानी कि आप देखिए, जुखाम का एग्जांपल ले लीजिए, आपको जुखाम हो गया तो वो बहुत तेज़ी से फैलता है जुखाम, लेकिन उससे मॉर्टेलिटी रेट उसकी है 0.014, यानी कि इतना परसेंट, बहुत कम चांसेस होते हैं कि जुखाम के कारण किसी की मौत हुई हो, कोल्ड के कारण किसी की, जो ठंड जुखाम होती है, खांसी, उससे बहुत कम चांसेस होते हैं कि कोई मरे। तो यही यही बात है कि जो डिसीज़ जितना ज़्यादा कॉन्टेजियस होगा उतना कम उसका मॉर्टेलिटी रेट होगा, और जो डिसीज़ जितनी कम कॉन्टेजियस होगी उतना ज़्यादा उसका मॉर्टेलिटी रेट होगा। फॉर एग्जांपल इबोला का मॉर्टेलिटी रेट है 70% और इससे इन्फेक्टेड केसेस सिर्फ और सिर्फ 3400, यानी कि 3400 केसेस ही मिले थे इबोला के, यानी कि कम फैलता है लेकिन इसके मॉर्टेलिटी रेट ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये फैक्ट अगर आपको नहीं